तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन की लास्ट टर्म पे बात की थी हम लोगों ने, अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे जो कि फिजिक्स के लिए एप्लीकेबिलिटी रखता है। मैथ्स वाले बच्चे इंटीग्रेशन का मजा 12th क्लास में लेंगे इन डिटेल। अभी हम वो बातें करेंगे जो फिजिक्स के लिए आवश्यक हैं। तो हम पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस हमारे लिए कर क्या सकती है। तो जो इंटीग्रल कैलकुलस है उसमें दो चीज़ें होती है, या इंटीग्रेशन में दो तरह के इंटीग्रेशन पाए जाते हैं या मिलते हैं या हम लोगों ने बनाए हैं। एक बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट, और दूसरा होता है डेफिनिट। अधिकतर हम लोग फिजिक्स में डेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। आपको हमने बताया था कि इसका सिंबल होता है एस, खिंचा हुआ एस, है ना, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है डीएक्स करके लिखते हैं। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं लिखी है इसलिए इनडेफिनिट, और यहाँ पर हम कुछ लिमिट लिख देते हैं, एक्स वन एक्स टू लिख दी, अभी देखेंगे आप, तो हम इसको लिख सकते हैं डीएक्स, ये लिमिट हो जाती, इसे बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक और वजह भी है कि इसका जो रिजल्ट आता है वो डेफिनिट होता है, अभी हम दिखाते हैं आपको। इसका जो रिजल्ट आता है, ये जो आएगा आंसर, वो डेफिनिट होता है। डेफिनिट का मतलब मान लो दो आ गया तो दो आएगा, है ना। इसमें जो आंसर आता है वो डेफिनिट नहीं होता, फैमिली आती है, फैमिली का मतलब परिवार आता है, उसके तरह तरह के बच्चे और बच्चियां रहती हैं इसमें। ये फैमिली नाम का शब्द आपके जीवन में आ जाना चाहिए, अब मतलब पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं जो फैमिली ऑफ कर्व्स जब बात की जाएगी तो फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब हो जाएगा उस फैमिली में जो लोग शामिल रहते हैं, ठीक। अभी और बातें करेंगे हम लोग, जैसे अब उसको डिटेल में समझाना मैथमेटिकल ठीक नहीं है। फैमिली ऑफ कर्व्स का मतलब जैसे सर्किल ले लिया, तो सर्किल के लिए एक सर्किल की इक्वेशन लिख दी, बदलते जाओ उसी की फैमिली के तरह तरह के सवाल आने लगे, तरह तरह के सर्किल आने लगे। स्ट्रेट लाइन ले ली, उसी टाइप की स्ट्रेट लाइन है, कुछ और वैल्यू बदलते चले गए, सारी फैमिली आने लगी। कुछ अंदाज़ा लग पा रहा फैमिली का? नहीं लग पा रहा, बता रही। जैसे हमने लिखा वाई इज इक्वल टू 2x+3, ये एक स्ट्रेट लाइन है, 11th क्लास में भी पढ़ोगे आगे, ये इस फॉर्म में लिखा गया एक है इक्वेशन mx+3 के फॉर्म में। तो इसका जो स्लोप है 2 है और कॉन्स्टेंट सी है। अगर हम इसको यहाँ पर केवल लिख दें वाई इज इक्वल टू 2x+C, तो ये क्या, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं क्योंकि स्लोप सबका सेम है। तो ये जो लाइन बनेगी ना, ये सारी लाइन्स पैरेलल होंगी। कितनी होंगी? डिफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, सी बदलते जाओ मिलती जाएंगी, लेकिन होंगी सारी फैमिली पैरेलल। तो इसे बोलते हैं फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विच इज पैरेलल टू ईच अदर। ये कहने का तात्पर्य समझिए आपको मुझी अभी नहीं है ना, इसे बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ऐसी चीज़ इनडेफिनिट भी मिलती है, क्या मिलती है एग्जैक्टली वो आपको नहीं बताया जाएगा। जो लोग मैथ्स लेके पढ़ रहे हैं उनको क्लास 12 में हम बताएंगे, वो दिमाग ख़राब करेगी, अभी पता नहीं क्या क्या बताने से कोई लाभ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग करते हैं डेफिनिट की। ये डेफिनिट बहुत ही मज़ेदार और आसान चीज़ होती है। क्या देता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ग्राफ में अगर कोई फंक्शन आपने बनाया है, एक सिंपल लेते हैं पहले समझाने के लिए, मान लीजिए ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन लिए जो वाई इज इक्वल टू 2x+2x-3 है सपोज करिए, ऐसे, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये या इस पॉइंट तक, ये पॉइंट कोई कंसीडर कर लो बेटा, कितना मान लेते हैं इसके पॉइंट को कोऑर्डिनेट, 3.4 मान लो, कोई परेशानी थोड़ी है, और इसके मान लेते हैं 1.0, एक्स एक्सिस पे तो वाई तो जीरो होगा, ठीक है। अब ये जो आपको बन रहा है, ये लाइन तो जा रही है लेकिन ये जो बन रहा है, ये इसका अगर एरिया निकालना हो तो एरिया आप निकाल सकती हैं, तनु निकाल सकती हैं, कैसे? एल इंटू बी नहीं, ट्रायंगल है हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालने जाएं तो लिखेंगे हाफ, और बेस क्या हो गया, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 3, दिख रहा है ना बेटा, एब्सिसा 3 है, तो ये बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2, 3 में से 1 गया, है कि नहीं। तो ये हो गया बेस 2 और हाइट ये कितना है, 4, तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 स्क्वायर यूनिट्स निकाल लिया बहुत अच्छी तरीके से, हम जानते हैं निकालना है इसको, इसलिए निकल, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन परेशानी कहाँ खड़ी हो जाएगी बिश साहब, परेशानी यहाँ खड़ी हो जाएगी कि अगर ये कर्व स्ट्रेट लाइन ना होके ये है, और आपसे बोला जाए कि बेटा, या जरूरत पड़ जाए आपको बोला ही क्या जाए कि यहाँ से x1 से लेके x2 इसके बीच का एरिया निकाल दो,
तो अब हमें निकालने का तरीका ही नहीं पता, हम तो रेगुलर फिगर्स का निकाल पाते हैं, रेक्टेंगल, ट्रेंगल, ट्रेपेजियम, पैलोग्राम, सर्किल और अगड़म अगड़म दो चार, ये सब तो पढ़े हैं। ये तो भाई साहब कुछ अलग टाइप का है, मगरमच्छ टाइप का है, जिसको कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके लिए कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना, एरियाज का चाहिए हमको, कोई मोशन ही हो रहा है टेढ़ा मेढ़ा, क्या कर सकते हैं आप? तो इसको समझने के लिए क्या तरीका है, जैसे हमने बताया था आपको, इसका तरीका इंटीग्रल कैलकुलस में कैसे होता है, लॉजिक समझेंगे, फिर मैं फॉर्मूले दाएं से लिख दूंगा। तो लॉजिक क्या बोलता है ये समझ चुके हैं आप लोग, इतना लिखना चाहते हैं आगे चलें? लिख लिया, सबने लिख लिया ना। तो अभी बात करते हैं, मान लीजिए हमको इस वाले कर्व का एरिया निकालना था, जो कि एक कर्व नेचर था, ऐसे समझ लीजिए, कर्व टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। तो यहां से एक्स वन से लेके ये एक्स एक्सिस है और एक्स टू तक का हमें ये एरिया चाहिए, इसे बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, और ये जो फंक्शन है इसे बोलेंगे एफ एक्स। एफ एक्स समझते हैं ना, कोई फंक्शन है? नहीं समझते तो वो भी फील कराएं। अरे ऐसे कोई भी लिख दो यार, पॉलिनोमियल लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू हो गया एक फंक्शन। अब इसको पॉइंट रख के प्लॉट कर दो, आएगा कोई ग्राफ, पैराबोला आएगा सर, ठीक है? तो इस समय ये फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें तरीका क्या यूज करते हैं, एक बहुत पतली स्ट्रिप लेते हैं, ये सीधी बनेगी, हाथ मेरा हिल गया है, सीधा समझना, ये कितनी चौड़ाई है डीएक्स, और डीएक्स को अब हम पहचानते हैं, दो तीन बार से बात हो रही है। तो मन पांडे, डीएक्स क्या चीज होगी? डीएक्स कहाँ स्लोप है? डीएक्स इज ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डीएक्स इज नॉट स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स इज ए स्लोप, डी वाई बाई डी एक्स इज ए स्लोप। डीएक्स क्या है? बहुत छोटी डिस्टेंस है। जब आप डेल्टा एक्स लिखते हो तो ये बड़ा होता है, जब लिमिट लगाते हो तो डीएक्स लिखते हो तो ये बहुत छोटा होता है। कितना छोटा? कि बस एक बस जस्ट नेक्स्ट टू दैट पॉइंट, इतना छोटा है ना। तो ये पट्टी कितनी छोटी है? बहुत छोटी, लेकिन आपको बताने के लिए थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ रही है, वरना दिखनी बंद हो जाएगी। ऐसे चौड़ी बना रहे हैं, लेकिन चौड़ी बनाने में कि ये है बहुत 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 पतली। उस सिचुएशन में ये जो कर्व नेचर है, अभी तो चौड़ा है तो दिख रहा है, जब ये बहुत पास आ जाएगा तो ये कर्व नेचर खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद अगला पॉइंट वही है, दूसरा वाला लाइन दिखने लगेगी ना, दो पॉइंट के बीच में क्या है? कोई कर्व ही नहीं है। एक पॉइंट दूसरा पॉइंट कौन सा कर्व? कोई कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइन होती दो पॉइंट के बीच में, है ना। तो ये हमारा डीएक्स, और ये सिचुएशन ये वाई बन जाएगी यहां पर, वाई ये पट्टी। इस पट्टी का एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, इसे लेंथ मान लो, चाहे जिसे मान लो जो मन हो, मतलब वाई इंटू डीएक्स, ये लेंथ मान ली, ब्रेथ मान ली। तो इस छोटी पट्टी का एरिया हो गया ए वन वाई इंटू डीएक्स। अभी छोटी छोटी यहां पर बहुत सारी पट्टियां हैं, सारी पट्टियों को जोड़ना है, तो इन जोड़ने का तरीका क्या है? सारी पट्टी को जोड़ दो, y लिख दो, dx लिख दो, x1 कर दो, x2 कर दो, और आपके हाथ में पूरा एरिया आ गया जो आप चाह रहे थे। इस y का मतलब वही होता है fx। तो एरिया अंडर द कर्व कॉन्सेप्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको जो प्रोड्यूस करेगा वो एरिया देगा, और जो एरिया निकलेगा ना वो फिक्स्ड होता है। जैसे यहाँ पे चार आया है, दैट इज डेफिनेट, इट इज नॉट 4.1, इट इज नॉट 3.9, इसीलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका रिजल्ट डेफिनेट होता है। जो इनडेफिनेट होते हैं उसमें सी टाइप का मिलता है कॉन्स्टेंट, तो वो फैमिली ऑफ कर्व्स होते हैं, डेफिनेट नहीं है, ये बदल दो, बहुत सारे इसकी फैमिली में मेंबर्स, समझ में आ रही बात? तो ये कॉन्सेप्चुअली ये चीज मिलेगी हमको, और इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा। समझ में आया क्या चीज मिलेगा? तो ग्राफिकली इसका ये इंटरप्रिटेशन है, और नॉर्मली आप पढ़ेंगे तो बोला जाता है इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन से जो रिजल्ट मिलता है उसी का उल्टा कर देंगे तो इंटीग्रेशन से उसका उल्टा रिजल्ट मिलेगा। क्या ये कॉन्सेप्चुअली समझ पाए कि किस काम आएगा ये? हमारे एरिया निकालने काम आएगा ग्राफिकली, है क्या? इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उल्टा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, समझ पाए? इसको नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, ये बोला था इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मतलब क्या है कि किसी भी क्वांटिटी को आप अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा कुछ, इसे बोलेंगे एफ डैश एक्स,
इसको इस सिंबल को एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन। आप इसी की जगह इसको इंटीग्रेट कर दें, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये। जब हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसमें फैमिली बनाने के लिए सी ऐड कर देते हैं। जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे यानी यहां पर कोई लिमिट्स नहीं लगाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें एक सी उसके साथ चलेगा, फैमिली बनानी है उसको, ठीक है। और जब डेफिनिट होगा तो ये सी नहीं रहेगा, क्योंकि रिजल्ट हमें डेफिनिट चाहिए, ठीक। अब जैसे कि हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला आपको दिखाने के लिए, डी अपॉन डी एक्स, तनु से बात करते हैं, इसका फॉर्मूले का क्या रिजल्ट था बेटा तनु? ठीक है, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। अब इंटीग्रेट का फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। इंटीग्रेशन में अगर आ जाता है x की पावर n dx, ये साइन किसका है? इंटीग्रेशन, हमने बताया था सम होता है, सम मतलब जोड़ना, यहां से खींच दीजिए तो ये कुछ इस तरह का बन गया है। मतलब अंदरूनी मतलब क्या है इसका, ये जोड़ना चाहता है, इंटीग्रेट करना चाहता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है ना जोड़ना। तो ये इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट मिलता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और क्योंकि ये इंडेफिनिट है इसलिए सी तो रहेगा ही रहेगा, किसकी केस में ना हो तो ना हो लेकिन रहता है। तो अब अगर ये देखिए रिजल्ट आ गया ना इसका, अब अगर इसको हम इसको इंटीग्रेट करने जाएं, देखिए एन एक्स एन माइनस वन, आपको दिखाने के लिए कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर एन मिलेगा, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो यहां पर हमने एन तो कांस्टेंट है वो बाहर चला, जैसे डिफरेंशिएशन में जाता था बाहर वैसे इंटीग्रेशन में बाहर चला जाएगा, तो एन आ गया बाहर और ये एक्स एन माइनस वन डी एक्स बचा। अब आगे बढ़े तो ये फॉर्मूला लगाओ जो पढ़ा है, एक्स लिखा एन की जगह एन माइनस वन आया है तो एन माइनस वन प्लस वन, एन की जगह एन माइनस वन आया है प्लस वन, ये आ गया। अब सी अभी नहीं लिखो अगर वही प्रूफ करना है तो आपको, और ये रिजल्ट क्या आ गया एन, और ये ऊपर वैल्यू क्या बनी एक्स की पावर एन, और नीचे क्या बनी एन, तो देखो एक्स एन आ गया है ना, यानी इसको डिफरेंशिएट किया था तो ये आ गया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वो आ जाएगा, हमेशा ऐसे होगा। जैसे और जैसे हमने डिफरेंशिएशन सीखा था निकिता, एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा कॉस एक्स, थोड़ी तेज बोल सकती हो क्या? तो अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा बेटा साइन एक्स, इसी का उल्टा ही तो होता है बस। अब सी लगा होता तो लगा देंगे, वरना तो साइन एक्स लिख देते। तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स, उल्टा उसे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दो चार पांच हम लिख देते हैं आपके लिए जो इस्तेमाल होते रहते हैं, बाकी तो पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। कुछ अंदाजा लगा क्या हो रहा है यहाँ? नोट करो इसको। तो ये जैसा मैं दिखा रहा हूँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को लिखे हुए हैं, जगह कम पड़ गई तो दो उधर भी लिख दिए, बाकी फॉर्मूले और भी बहुत होते हैं लेकिन हमारे लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले लिखे हैं, और इतने फॉर्मूले जान लेंगे तो काफ़ी काम आपका बन जाएगा, बाकी मैथ्स वाले तो बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी। तो डिफरेंशिएशन का जैसे आप जान रहे हैं अगर एक्स की पावर एन है तो एन एक्स माइनस वन, और इंटीग्रेशन का अभी मैंने दिखाया था एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसी तरीके से अगर डी एक्स अपॉन डी एक्स होता है तो वन वैल्यू वन आती है, जबकि इंटीग्रेशन करते हैं वन का, कुछ नहीं है तो वन समझ सकते हैं, तो वन का इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है एक्स, इनडेफिनिट है तो सी तो जुड़ा ही रहेगा इसमें। लॉग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का रिवर्स प्रोसेस है लॉग एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और इसी तरीके से बाकी लिखे हैं, पढ़ के सुनाने से कोई लाभ लग नहीं रहा है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जहां पर x की पावर n था वहां फॉर्मूला आया था एन एक्स एन माइनस वन, ये छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, जहां पर आपको ax प्लस बी दिख जावे तो आप करिएगा क्या कि x के साथ जो मल्टीपल है, हाँ x के साथ जो मल्टीपल है वो मल्टीपल आप पूरी जो रिजल्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ये अगर x मानते तो क्या लिखता एन एक्स माइनस वन, इसको पूरा x अगर मान लो इस फॉर्मूले के हिसाब से
तो क्या लिखती एन एक्स यानी पूरा एन माइनस वन, ये फालतू का यही तो कूद पड़ा है बीच में, तो कहाँ से कूदा है, क्योंकि तो एक्स से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है डिफरेंशिएशन में उससे आंसर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ट्रिक समझ लो, शॉर्टकट समझ लो, कोई लॉ नहीं है, हो ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर x से a मल्टीप्लाई हुआ तो डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में a से मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेशन में उस क्वांटिटी से डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पर a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो देखो a से डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पे पूरा x मान लेते तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, एक्स एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये a एडिशनल है ना, x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवाइड हो गया, बात खत्म, प्लस सी बाकी आपके सामने ही है। अब बात एक कदम और आगे ले चलते हैं, नोट कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। अब देखिए जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसका एक रूल होता है, आप ऐसा समझ लीजिए, अगर हमने लिखा a टू b एफ एक्स डी एक्स, मान लो इस एफ एक्स का एक रिजल्ट आएगा इंटीग्रेट करने के बाद इनडेफिनिट में, मान लो वैल्यू आ जाती है एफ एक्स, तो उसको ऐसे लिखते एग्जांपल देंगे तो समझ पाओगे, अभी ए बी और इसकी वैल्यू होती है एफ बी माइनस एफ ए, अभी पल्ले नहीं पड़ा आपके, ये पड़ेगा एक्स, इस स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, अरे रुको यार एक्स ही ले लो, और यहाँ वैल्यू डाल दी दो और यहाँ डाल दी तीन, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसे क्या बोलते हो, लोअर लिमिट और इसे क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। इस तरह का मान लो इंटीग्रेशन आ गया हमारा, डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना प्रिया, प्रिया इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा इंडेफिनिट में, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर वन है तो एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये आएगा, ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी, इंडेफिनिट का, तो अगर एन की जगह वन पुट कर दो तो क्या रिजल्ट बनेगा, एन की जगह वन पुट कर दिया सी लिखा जाए, ठीक है, जब डेफिनेट में आते तो सी लिखना नहीं पड़ता हमको, तो यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिख दे यहां, अरे बोलो तो भाई, ठीक। अब ये जो लिखा था एफ बी, तो पहले तीन पुट करते हैं, तीन का स्क्वायर अपॉन दो माइनस, फिर दो पुट करते हैं, दो का स्क्वायर अपॉन दो, और ये रिजल्ट आता है नौ बटे दो माइनस चार बटे दो, कितना बचा, पाँच बटे दो, दिस इज द रिजल्ट एंड दिस इज द डेफिनेट रिजल्ट, इस थ्योरम से किया हमने, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ये क्या हुआ समझ में आया कुछ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हाँ है क्या चीज़, ये टू कैसे आया, थ्री बाई टू, ये तीन रखा नहीं है इसकी जगह, टू तो ये था ही पहले वाला, यही लिखा ना एफ बी, पहले बी रखो माइनस फिर ए रखो, तो एक्स की जगह तीन रखा नौ दो रखा, इसलिए छोटा सा एग्जांपल लिया है, कौन लेते हैं अभी, देखो ध्यान से अंदाज़ा कुछ लग रहा है कि नहीं, कुनाल आ रहा है कुछ, राजीव जी ठीक, अगला करें, मान लीजिए हमारे सामने केस आ जाता है 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स, ये आ गया ठीक, ये इंटीग्रेशन में माइनस कॉस एक्स होता है, साइन एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तुम मुझसे पूछना खतरे से खाली नहीं है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, ये लिमिट लगाई 0 टू पाई बाई टू ठीक, ये माइनस वन तो कुछ भूलने वाला नहीं हो तो बाहर ही आ जाता है, माइनस कर दो बाहर, हो गया कॉस एक्स 0 टू पाई बाई टू माइनस, पहले रखो कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस 0, वही जो फंडा लगाया था अभी, ये हो गया माइनस कॉस पाई बाई टू 0, ये होता 1, आंसर हो गया 1 ठीक। इसका मीनिंग देखो कितना मज़ेदार है, आपको मालूम नहीं होगा कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, वो इस तरह का होता है रक्षिता,
ये रुकेगा नहीं, चलता जाएगा, यही बना के छोड़ दिया है, अभी पढ़ेंगे 9th-10th वाले, हाँ मतलब आप लोग, ठीक है। ये साइन एक्स किसका ग्राफ है? साइनसोडल ग्राफ भी बोलते हैं, फिजिक्स में बहुत यूज होगा, बायो वालों को भी जानना है, साइनसोडल ग्राफ बोल ही नहीं पाएंगे कुछ तो, जीरो रखा। और ये एंगल कितना है, ये टॉप वाला पाई बाई टू, और इधर वाला पाई, इधर वाला 3π/2, और इधर वाला 2π, बाकी चलता जाएगा आगे पीछे। तो हम ये वैल्यू कितनी होती है +1, ये वैल्यू कितनी होती है -1। साइन 90 जो पढ़ा था एक साल पहले उसकी वैल्यू होती थी +1, और साइन 270 जो कि पढ़ा ही नहीं था शायद, चलो कोई बात नहीं, उसकी वैल्यू होती है -1, ठीक। तो अभी हमने जो चर्चा की है आपसे, इसका मीनिंग ग्राफिकल क्या है बेटा? इसका मीनिंग है साइन एक्स का जो ग्राफ है 0 to π/2, इतने ग्राफ का इसने एरिया निकाल दिया हमारे लिए, कितना बढ़िया टूल है ये। ये जो 1 आया है, 1 हमारा एरिया आ गया है, ये ऊपर वाला इतनी टुकड़े का, हंसने की बात क्या है, सही कह रहा हूं। और अगर आप यहां पर 0 to π लिमिट ले लेंगे तो ये 1 है, ये भी सिमेट्री है, 2 आंसर आ जाएगा। देखो दिखाता हूं, अगर यहीं पर आप लिख दो 0 to π, यहां से यहां तक साइन एक्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस कॉस एक्स वगैरह सब बाहर, समझ रहे हो ना, तो लिख दोगे कॉस पाई माइनस कॉस 0, क्या बोलते हो, कॉस पाई -1 होता है। तनु कह रही हमसे ना पूछिए सर, ये भी -1 होता है, ये 1 कॉस 0 1 कॉस पाई -1, सीख जाओगे अभी एक दो दिन बाद। कॉस 180 डिग्री -1 होता है, कॉस 180 डिग्री पाई के इक्विवेलेंट है कॉस पाई -1 होता है, तो ये कॉस पाई -1 कॉस 0 1, ये बन गया टोटल 2। ये देखो एक का दुगना 2। और मजेदार बात देखो, अगर कहीं आपने 0 to 2π वैल्यू ले ली तो ये खतरों का खिलाड़ी ये टूल क्या करेगा, आपको मजेदार किस्सा सुनाएगा, देखो तनु घबरा जाएगी भी देख के। सीधे लिख दे कॉस 2π माइनस कॉस 0, समझ तो रही हो, यानी 4 आना चाहिए। कॉस 2π की वैल्यू होती है 1, और कॉस 1 की 0 की 1, आंसर आ गया 0। तो इससे दिमाग के चक्षु खुल जाने चाहिए, क्या इससे समझ में आया कि ये जो इंटीग्रेशन है ये एलजेब्रिक सम देता है एरिया का, ये ऊपर वाला एरिया ये नीचे वाला एरिया दोनों बराबर, दोनों को जोड़ा 0, ऊपर वाला प्लस लिया नीचे वाला माइनस लिया, एलजेब्रिक सम। तो इंटीग्रेशन विल गिव यू द एलजेब्रिक सम, तो कभी भी एरिया निकालना पड़े तो क्या करेंगे, एक तरफ वाले अलग नीचे वाले अलग फिर जोड़ेंगे, कुछ पल्ले बढ़ा गया, और सीधे सीधे जोड़ेंगे और उल्टा हुआ तो ये सब गोला लगा देगा, प्लस माइनस कर देगा, आंसर दे देगा बढ़िया वाला गोला, कुछ समझ में आया गया। तो इंटीग्रेशन क्या देता है, एलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, एलजेब्रिक सम होता है साइन के साथ वाला सम। ये तो टूल है ना, अब आप इससे एरिया निकलवा रहे हो तो बेचारा क्या करे, निकाल रहा आप जानो, पकड़ में आई बात प्रिया अवस्थी, माय नेम इज प्रिया, क्यों समझ में आया कि नहीं, चल सकते हैं आगे, सवाल एक दो और लगाते हैं, ये पल्ले पड़ा कि नहीं कुणाल, हटा रहा हूँ अब, छापोगे, छापो जल्दी, बहुत तेज छापो, फंस गए कहीं, खोल मुँह खोलो, क्या है, इनडेफिनेट है क्योंकि लिमिट नहीं लगी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग कैसे, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस 1/x dx, ठीक है इस तरीके से। अच्छा कभी इंटीग्रेशन में ऐसे आ जाए ना जैसे आ जाए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको ऐसे ना कर मारना बेटा, कुछ ज्ञानी आत्माएं ऐसा कर सकती हैं, तो इसको ऐसे ना कर डालना, प्लस में चलता है, ये प्रोडक्ट रूल है, पढ़ेंगे लंबा रूल होता है, पढ़ेंगे बाद में मैथ्स वाले, तो प्रोडक्ट में ये कहानी नहीं चलेगी, ये मन लगा देना कहीं लेने के देने पड़ जाए, ठीक। अब प्लस में ऐसा चलेगा, माइनस में भी चलेगा। अब ये वैल्यू एक्स स्क्वायर की क्या बन जाएगी,
एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये बना एक्स क्यूब अपॉन थ्री। अरे ये पढ़ा था ना अभी, एक सी भी आता है। तो जब इंटीग्रेशन तीन तीन का करते हैं तो फाइनल सी लिख देते हैं, सी वन सी टू सी थ्री नहीं लिखते। इसका सी वन, इसका सी टू, इसका सी थ्री, तीनों को जोड़ेंगे तो एक सी मिलेगा, तीन तीन सी नहीं मिलेगा। ये दस हो तो दस दस सी चल रहे हैं साथ में, तो वो एक सी लिख के छोड़ देते हैं। ये समझ पाए कैसे है? शिवांगी कॉस एक्स का बताओ इंटीग्रेशन है, साइन एक्स। और बेटा आप बताएंगे वन अपॉन एक्स का लॉग ई एक्स बेस ई पर एक्स, और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, खत्म हो गया ये, हो गया ठीक। अगला करते हैं, समझ में आया भाई साहब? आप समझिए पांडे जी, पांडे जी कहने पे बुरा तो नहीं मानेंगे आप? अच्छा, जितने भी पांडे और लड़के रहते हैं, कोई भी दोस्त भी रहे, उनको पांडे जी बोलो तो बुरा नहीं मानते। सलमान खान था ना पांडे जी वाला, उससे पहले से बुरा नहीं मानते वैसे तो। पता नहीं कौन सा लॉजिक दिया है हमने, हटा दे इसको, हटा दूं? रक्षिता कोई कष्ट में हो गया? एवरीथिंग इज फाइन, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? निकिता तो अच्छी लड़की, परेशान तो नहीं कर रही है? अच्छा, इसका इंटीग्रेशन अध्ययन करा दो जल्दी से यार, बहुत सरल है। sec स्क्वायर x का dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, और लिमिट लगा दी हमने 0 टू, पहले लिखेंगे 10 पाई बाय 6 माइनस 10 0। 10 पाई बाय 6 का मतलब होता है 180 अपॉन 6, 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की प्रिया वैल्यू क्या होती है? 1 बाई, और 10 0 कितनी होती है प्रिया? 1 अपॉन रूट 3। अभी 10th क्लास में चल रहे हैं आप लोग, 1 अपॉन रूट 3 हो गया, महसूस कीजिए लेवल में आ चुके हैं। 1 अपॉन रूट 3 आंसर हो गया, खेल खत्म हो गया इसका, आगे देखते हैं ठीक है। ये एक इंटीग्रेशन है, ये कैपिटल जी एम एम वही हैं जो पहचान रहे हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, मास ऑफ बड़ी बॉडी, मास ऑफ छोटी बॉडी, और एक बीच का डिस्टेंस दोनों का, पहचानते हो ना इसको थोड़ा बहुत? 9th क्लास में शुरू हुआ था गेम। तो इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो जो कांस्टेंट होते हैं वो कूद के बाहर आ जाते हैं, तो ये जी आ गया बाहर, मास भी आ गया बाहर, क्योंकि इन सब पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कोई फर्क नहीं है, क्योंकि फिक्स क्वांटिटीज हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टी एक्स। अब इसको समझने के लिए ना x की पावर माइनस टू कर लो बेटा, नहीं समझ में नहीं आएगा तुम्हें। अब फार्मूला लगा दो x की पावर n वाला, फार्मूला याद है ना लिखे हुए? पता नहीं याद है कि नहीं, अब डेफिनेटली तो लगेगा नहीं। तो आ गया जी एम एम एक्स की पावर माइनस टू, में एक जोड़ोगे तो माइनस वन बचेगा, लिख दें यार अभी तो सही कुछ नहीं है, हार्ड टू इन्फिनिटी। अब आ गया कैपिटल जी एम एम, ये माइनस आएगा ना, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो ये वैल्यू आ गई, यही लिखो अभी, माइनस वन अपॉन एक्स आ गई। देखो इससे सहमत हो कि नहीं? ऊपर माइनस वन आएगा, वन अपॉन एक्स लिख दिया है ठीक। इस माइनस को बाहर कर दो, डिस्टर्ब करेगा अपने दिमाग को, यहां पहुंचा दिया माइनस जी एम एम, और अंदर बचा वन अपॉन एक्स आर टू इन्फिनिटी माइनस जी एम एम, और वही फॉर्मूला पहले लगा दो इन्फिनिटी, माइनस वन अपॉन आर, वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है? जीरो। तो ये जीरो हो गया, लिखने की जरूरत तो नहीं है, और माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस, यानी वैल्यू हो गई जी एम एम अपॉन आर ये। अब देखो एक छोटी सी और चीज़ बताते हैं कॉन्सेप्चुअली जो आप फील कर सकेंगे। अब ये निकालने का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया आपने को, एक 5 मिनट की कहानी और सुना रहे हैं कि ये कहाँ हमें लगाना पड़ता है फिजिक्स में, आखिर कहाँ ये, बाकी तो पढ़ते पढ़ते आएगा, एकदम से नहीं आएगा, थोड़ा अंदाज़ा देना चाह रहे हैं आप ठीक है। जैसे अंदाजे देने में क्या होता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9 में वर्क का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं ठीक, और रिफाइंड तरीके से चले जाइए इसमें, तो आप हमेशा पढ़ते थे फोर्स
वेक्टर पढ़े कि नहीं, अभी नहीं पढ़े, हटाओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा फॉर्मूला। शर्त क्या थी कि डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस फॉर्मूले के हिसाब से। क्या शर्त थी कि अगर फोर्स, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर अगर फोर्स इधर लगाया है तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होना चाहिए, तब फॉर्मूला लगाएंगे। और ऐसा नहीं होगा तो दूसरा लगाना पड़ेगा, एफ एस कॉस थीटा वाला। पढ़े फॉर्मूला नहीं पढ़े सब? yes, आप लोग ऐसे देखते हो जैसे पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है आपको, हैं? ये पढ़े थे ना क्लास नाइन्थ में ही पढ़ लिए थे। ठीक है कुमुद, कुमुद केरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, ठीक है नहीं पढ़ रहा है। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला अभी हम लोग कुछ ही दो चार दिनों बाद पढ़ेंगे, पांच दिनों बाद, कि ये फॉर्मूला वेक्टर जब पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा जाता है, वो बात की चर्चा है, लिख के दिखा दिया आपको, डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर्स का। हमारा मुद्दा ये नहीं, हम ये नहीं बात करने जा रहे, हम बात ये करने जा रहे हैं कि रक्षिता ये फॉर्मूला तभी लग पाता है जब हमारा फोर्स बदलता ना हो। इस केस को ले रहे हैं, फोर्स हमारा कांस्टेंट हो, दो न्यूटन का लगा रखी है तो दो न्यूटन का लगा रखी हो, ऐसे की तैसी खसका जा रहा है दो न्यूटन लगाए पड़े। मुद्दा क्या है कि यहाँ पर अगर दो न्यूटन का फोर्स है तो फोर्स नहीं चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हुआ जा रहा है, फार्मूला ठोक दिया आपने, सुंदर रिजल्ट आ गया। लेकिन बाय द वे ऐसा हो जाए कि फोर्स चेंज हो रहा हो फिर क्या करेंगे? रियल लाइफ में तो ऐसे ही होगा, फोर्स तो बदलेगा नहीं, किसी को धक्का मार रहे होगे तो हमेशा उतना जोर नहीं लगा पाओगे, थोड़ी देर में थक जाओगे, थोड़ा लगा पाओगे फिर उसके बाद बैठ ही जाओगे। ठीक, समझाने के लिए थोड़ा सा और आपको अंदाजा देने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए प्लस चार्ज रखा है, बाजू में एक प्लस और है, पहचानते तो उसको, और चार्ज की यूनिट क्या होती थी बेटा रक्षिता, टेंथ क्लास में पढ़े हो? हाँ, ये तीन कूलाम पहले लेते हैं, आपको समझाने की बात कर रहे हैं मोटी मोटी। इस पे एक फोर्स लगेगा रिपल्शन का, ये भी मालूम है, और रिपल्शन का जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, वो पढ़ेंगे ट्वेल्थ में कूलाम्स लॉ वगैरह, अभी बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी जो फोर्स लग रहा है ना इस पे, इसने इसको धक्का मारा, सपोज करिए फिक्स है, तो ये कूद के यहाँ चलाया, थोड़ी दूर और चलाएगा फिर भी धक्का मारेगा, लेकिन जो धक्का मार रहा है उस धक्का मारने की वैल्यू बदलती चली जाएगी, क्योंकि धक्का मारने पर आप ऐसे समझो जो फॉर्मूला जानते हो, M1, M2 और क्या पढ़ते थे, फोर्स इज इक्वल टू, लेकिन वर्कडन नहीं आएगा यहाँ, यही पकड़ो ऊपर वाला जो चल रहा है। तो ये जैसे यहाँ पर मान लो F1 फोर्स था, तो जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा फोर्स बीच का बदल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बदल गया है ना। अब आपसे बोला जाए कि ये जब एक मीटर तक यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है तो कितना वर्क डन किया है सिस्टम ने, या आपने किया है, जो भी है, इसमें तो सिस्टम ही कर रहा है, दूर भेज रहा है। तो यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हर जगह फोर्स बदल रहा है, जैसे जैसे एक कदम आगे बढ़ रहा है, एक कदम का मतलब है बहुत छोटा क्वांटिटी, वैसे ही फोर्स बदल जाता है। कुछ अंदाजा लग रहा है? लगना ही चाहिए, फोर्स कांस्टेंट होता है हमेशा, लेकिन इस केस में बीच का डिस्टेंस वेरी करने से फोर्स बदलता है। तो जैसे ही इसको धक्का मारेगा बदल के यहाँ आएगा, अब लगने वाला फोर्स बदल चुका है क्योंकि डिस्टेंस बदल चुकी है बीच की। अब अगले स्टेप पे फिर यहाँ पहुँच गए भाई साहब, तो फिर फोर्स बदल चुका है, F3 आ गया, तो फोर्स बदल रहा है। अब फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट में कौन सा है, एफ लो, F1 लो, F2 लो, F3 लो, कुछ और लो? ये समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला नहीं लग पाएगा यहाँ, क्योंकि फोर्स सेम नहीं बदल रहा है हमेशा। ये पकड़ पाए हो कि नहीं शिवांगी, तुम पकड़ी हो कि नहीं? हाँ कि ना? ऐसे होता, हाँ ऐसे नहीं होता ना? ठीक, तो यहाँ पर ये समझ में आ गया हमको कि फोर्स बदल रहा है, इसलिए पांडे जी हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए करते क्या तरीका है ना, कि हम यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं dx, पढ़ लिया ना अभी dx, ये क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट
बहुत पिद्दी चुन्नी सा है ना, उसमें इस दौरान इतना छोटा है कि इसमें फोर्स ना बदलेगा, इतना छोटा है कि इस ए और बी पर फोर्स नहीं बदलेगा, क्योंकि डीएक्स है ही बहुत छोटा, लगभग नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा ना, क्योंकि डीएक्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अब यहां पर ही फॉर्मूला लगा सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट क्या लोगे, डीएक्स। अब ये ले लिया इतने के लिए वर्क डन, अब यहां से यहां तक लेना है तो क्या करोगे, टैं सब कुछ जोड़ दो सम, कहां से कहां तक, ये मान लो x1 था, ये मान लो x2 था, तो x1 से लेकर x2 तक, और आंसर हमारे हाथ में। कितनी सुंदरता है इसके अंदर, देख पाने की नजरों में होनी चाहिए, खतरनाक नहीं है, बहुत प्रेमी आदमी है ये, दिख रहा है आपको। ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा पा रहे थे समझ में आया, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगा सकते थे जब फोर्स कॉन्स्टेंट होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बदल रहा है, तो उसको कैसे काबू करें, उसके लिए टूल काम आ गया इंटीग्रेशन वाला। कैसे इस्तेमाल किया, डीएक्स ले लिया, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, वो इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि हम फोर्स को लगभग सेम मान सकते हैं, तो इसके लिए एफ इंटू डी, इस छोटे वाले के लिए, इस छोटे वाले के लिए वर्क डन कितना हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डीएक्स हुआ ना, क्योंकि फोर्स नहीं बदला था उसमें। अरे हाँ कि ना, ये सब ऊपर से जा रहा है, कह रही हाँ ऊपर से जा रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे जब हम लोग दोनों तरफ, तो ये टोटल फोर्स निकल जाएगा, और ये वैल्यू x1 से x2 रख दो, आंसर आपके हाथ। ये कैलकुलस की ब्यूटी है, मॉडर्न कैलकुलस की, समझ पाए क्या? इसी के साथ इंटीग्रेशन कैलकुलस भी खत्म होती है, इंटीग्रल कैलकुलस। इतना समझेंगे, बाकी जैसे जैसे सवाल लगाएंगे वैसे वैसे हमें अंदर की आत्मा और दिखेगी उसकी, लेकिन जितना समझना था हमने उससे ज़्यादा बता दिया, आप कि आपको अंदाज़ा हो जाए, पूरा प्रीव्यू मिल जाए, पता नहीं भेजे में कितना पहुंचा है, समझ में आया है? ये हमारे लिए काम का है कि नहीं, इतना ही समझ लें, काम का है ना, ये सब सिचुएशन कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, और डिफरेंशियल कैलकुलस भी काम की थी, तो ये टूल ज़बरदस्त है, बिना इसके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक।